बहुत खूबसूरत है हमारी भाभी। नजर तो आ नहीं रही। वो पापा की परी ये बात का मादर चोद, क्यों लाया इसको तू यहाँ पे? बहुत प्यारी लग रही है आज मेरी बहन। किलोड़ी हेलो। अरे काजी थोड़ा सा रुक जा ताकि लड़की का बाप हो जाए राजी। जो होगा मैं आपको बता दूंगा खुद ही। हाँ काजी का फोन। अभी तो बात की है। काजी काजी साहब थोड़ा सा रुक जाओ मैं खुद आपको बता दूंगा। हाँ हाँ मैं बता दूंगा। जी मना गया। अंकल जी अगर आपकी इजाजत हो, देखिए आपकी इजाजत के बगैर हम ये कभी नहीं करेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना हम दूल्हे को और दुल्हन को अकेले में थोड़ी देर के लिए भेज दें? अगर आपकी इजाजत है तो, वरना कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, आप बताएं मुझे। जी जी ब्रोकर साहब हमें कोई अर्ज नहीं है बेटा, जाओ आप दोनों अकेले में बात करके आ जाओ। अब तो अब्बू ने भी इजाजत दे दी। तो फिर आपके क्या इरादे हैं? नहीं नहीं यहाँ नहीं दूंगी, कोई देख लेगा यहाँ पे। आप ना मुझे शक्ल से बहुत खुश मिजाज लग रही हैं। मुझसे तो पूरा मोहल्ला खुश है। ये बताएं हनीमून का क्या प्लान है, कुछ सोचा है आपने? हनीमून पे वहाँ जाएंगे, वो बहुत प्यारी जगह है, मुझे बहुत पसंद है, वहाँ वो भी गई थी, वो मेरी बहन। किलोड़ी किमोड़ी किमोड़ी कोई जगह है जाने की क्या? भाभी जी को वहाँ ले जाना, बहुत प्यारी जगह है, बैंकॉक ले जाना, बैंकॉक बहुत अच्छी जगह है। बेंचो अबे तेरा बाप होगा बेंचो। ये कौन सी जगह है हनीमून की? बेंचो नहीं बैंकॉक, बैंकॉक बता रहा था मैं इनको हनीमून के लिए। वो असल में जो है ना बेचारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, नया नया जोड़ा है, नया नया रिश्ता है, तो मैंने सोचा इनकी जो ना इनसे बात कर लूं मैं थोड़ा सा आके। बेटा तुम लोग भी आ जाओ अंकल, चले अंदर चले, अंकल जी अंदर आ जाए, आप भी आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाए आ जाए अंदर आ जाए। मैं उस वाले रूम में जा रही हूँ, चलो बाय बाय बाय। आ जा आ जा चल ना, बैठ बैठ अंकल बैठे, आराम से बैठे आराम से। अंकल देखें मैं बात करूंगा सीधी सीधी, बात को घुमाऊंगा नहीं। देखें हमने आपकी लड़की को देख लिया, आपने हमारे लड़के को देख लिया, हमें आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ कि हमारा लड़का भी आपको अच्छा लगा होगा। बस मैं चाहता हूँ कि ये दो दिल आपस में जुड़ जाएं, दो खानदान आपस में एक हो जाए, तो हमारी तो ये राय। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, आप अपनी राय जो है ना पेश करें। ब्रोकर साहब मुझे तो लड़का पसंद आया, लेकिन लड़के की एक आदत बुरी लगी। अबे पता नहीं कैसी आदत है यार ये तेरी, कहीं भी रिश्ते के लिए लेके जाओ, वहाँ कोई बहन बोले तो तू किलोड़ी लगा देता है, कोई माँ बोले तो तू किलोड़ी लगा देता है। अंकल कौन सी आदत आपको बुरी लगी है इसकी? वो आदत मुझे बुरी लगी इसकी, तस्वीर में अलग और रियल में अलग। अंकल तो ये वाली आदत बुरी लगी, अंकल बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत शादी होगी ना तेरी फिर अंकल के साथ मिलके कॉमेडी करेंगे, बहुत कॉमेडी करते हैं अंकल। हाँ हाँ बिल्कुल मिलके कॉमेडी करेंगे। अंकल जी तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी मुझे ये रिश्ता मंजूर। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन तू शर्माए, साजन जी घर आए। हेलो दोस्तों, भाई देखो एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले तुम ये प्रोमो कोड यूज कर लो, इसका फायदा ये होगा आपको 150% तक के बोनस मिलेगा, जो कि आप मोस्ट बेट पे कोई भी गेम खेल सकते हैं, जो कि एक अल्टीमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और तुम्हारे भाई को जो है एविएटर बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट से भरपूर है जो किसी गेम में मजा नहीं है, तो बड़ा जीतने का मौका अपने हाथ से जाया मत करो भाई। इसके अलावा मोस्ट बेट जो है आपको बहुत सारी गेम्स जो है ऑफर करती है, जो आप खेलोगे आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन एविएटर को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अंदर बाहर क्रैश एक्स जेट एक्स, मतलब ये इनका मैं
दीवाना हूँ भाई। इनका हर गेम ना खत्म होने वाला फन और एक्साइटमेंट का एक जरिया है, जिससे आप रोजाना के मसलों से निजात पा सकते हो। पहले बता रहा हूँ भाई, आपको खुद को रजिस्टर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ये प्रोमो कोड यूज कर लो, इससे आपका फायदा ही होगा। 150% तक के वेलकम बोनस मिलेगा और 250 फ्री स्पेंस मिलेंगे और आपके पहले डिपॉजिट पर साइन अप करने के फौरन बाद मिलेंगे आपको। और अपनी आम जिंदगी को छोड़ें और मोस्ट बैट के साथ एंजॉय करें। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अबे तेरे तो फिर 99 रिश्ते रिजेक्ट हो गए, एक के तो 105 हो गए थे, फिर वो मेरे पास आया, मैंने करवाई है उसकी शादी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे कहाँ है हमारे जीजा जी? ये है हमारे जीजा जी, ये है ये। अच्छा वो है हमारे जीजा जी। जीजा जी क्या हुसन है, क्या ये परिजात के कजन है? मजाक कर रहा था, लेकिन जीजा जी मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अरे जीजा जी को तुमने कहीं देखा होगा, बहुत मशहूर आदमी है ये। बे ब्रोकर चुप हो जाओ, मरवाएगा क्या? जीजा जी मेरी तरफ देखिए तो सही, कहाँ देखा है तूने जीजा जी को? जीजा जी हाथ हटाएंगे तो मैं बताऊंगा ना कि कहाँ देखा है मैंने जीजा जी को। बेटा मुंह ना छुपाओ, मुंह दिखाओ मेरे छोटे बेटे को। अरे तू मुंह क्यों छुपा रहा है, दिखा ना क्या किया है तूने ऐसा? साफ साफ लफ्जों में कह रहा है जीजा जी आपको, मुंह दिखाइए वरना रिश्ता रिजेक्ट। रिश्ते को कुछ करना। एक मिनट भाई, तुम मुँह दिखा दे यार। नहीं दिखा सकते वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुँह नहीं दिखाएगा तब भी बड़ा मसला हो जाएगा, मुँह दिखा देते। नहीं नहीं ब्रोकर साहब नहीं, मुँह दिखा देते हैं, मुझ पर छोड़ दे, मैं संभालूंगा। मुँह दिखा देते हैं, मुँह दिखा देते हैं। हाँ जीजा जी, गाली नहीं दे रहा, मुँह से निकल जाती है अचानक। ऐसे कैसे मुँह से निकल जाती है तेरे, ऐसा रख के दूंगा ना तेरे। किसकी कॉल आ रही है? अबे यार वो घर से कॉल आ रही है माँ की। लाउडी लाउड यार, गालियां नहीं देता यार। ये जीजा जी हैं। अरे अबू इसकी एक बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है बेटा? मुझे याद आ गया, ये कहाँ रिश्ता कर रहे हैं आप लोग? हमें भी बताओ क्या बुरी आदत है लड़के की? नहीं नहीं कोई बुरी आदत नहीं है, मैंने इनको सब बता दिया। लड़का नशे नहीं करता, छाया नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं करता, मैंने सब बता दिया इन लोगों को, कोई बुरी आदत नहीं है इनमें। मैं ब्रोकर तू चुप हो जा, मैं बताता हूँ क्या बुरी आदत है इसमें। क्या बुरी आदत है? क्या बुरी आदत है? अभी देखना अब्बू, ब्रोकर की बहन खिलौड़ी। देखा देखा अब्बू की माँ खिलौड़ी। देखा ये इसकी बुरी आदत है, कोई बहन बोले तो ये की लोड़ी लगा देता है, कोई माँ बोले तो ये की लोड़ी लगा देता है। तुम लोग कहाँ इसको रिश्ता दे रहे हो, भगा उसको यहाँ से। ब्रोकर बहन क्या लौड़े, निकलो इधर से। चलो भाई एक और रिश्ता रिजेक्ट हो गया, पूरे 100 रिश्ते रिजेक्ट हो गए। चले अगली बार ट्राई करेंगे, हो सकता है कुछ हो जाए।